I asked AI to challenge me in Valorant, and this is what AI told me to do. तो AI ने मुझे ये चैलेंज दिया कि मैं अपनी वॉइस बिल्कुल वॉइस अपनी नहीं गेम की वॉइस बिल्कुल मैं खत्म कर दूं, लाइक बंद कर दूं और उससे मैं गेम प्ले करूं। लाइक मैप की लिमिट मुझे मैप की इंफॉर्मेशन की जो है ना वो लिमिटेड रहे मेरे पास। सो या लेट्स गो। तो बगैर किसी देरी के मैं अपने गेम्स में फोल्डर किया एंड मैंने वहाँ पे रन कर दी वैलोरेंट। ओके, तो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे करनी है कि सेटिंग्स में जाके मुझे इस सारी वॉल्यूम को बंद करना है। तो फौरन मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और सेटिंग्स में जाके मैं जाके ऑडियो वगैरह सारी बंद कर देता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फुटस्टेप्स वगैरह और इनके साउंड्स कौन से हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो आई डोंट नो कि कौन से थे। सो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने पहले मोस्टली बंद कर दिए थे सारे। आफ्टर डेट मैंने इन सेटिंग्स को टेस्ट करने के लिए मैंने डेथ मैच पहले स्टार्ट किया ताकि मैं चेक कर लूँ कि हाँ कि ऑडियो वगैरह सब बंद है। सो मैंने डेथ मैच पहले लगाया एंड उसमें मैंने टेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे डेथ मैच स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे फुटस्टेप्स वगैरह की और गन्स वगैरह की भी साउंड आ रही हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेटिंग्स वगैरह में कुछ गड़बड़ है और मुझे दोबारा से सेटिंग्स करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट किल लिया और फर्स्ट किल लेने के बाद मैं गया सेटिंग्स में दोबारा से और सेटिंग्स में जाके मैंने ट्राई किया ये ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन भी काम नहीं किया। उसके बाद मैं दोबारा से गया सेटिंग्स के अंदर एंड देन आई टर्न ऑफ दिस सेटिंग और उसके बाद जैसे कि तुम देख सकते हो कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं एंड या एंड देन आई प्लेड दिस मैच। तो जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पीछे से हार्बर ने मुझे शूट किया लेकिन मुझे इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। मगर मैंने यहाँ पे देखा कि अपने विजुअल स्किल्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे मैंने कुछ किल्स वगैरह लिए। लेकिन अगर सीन ये होता है मेरे साथ कि मैं यहाँ किल्स तो ले लेता हूँ लेकिन किल्स लेते वक्त अगर कोई मेरे आगे या पीछे से कोई आ जाता है तो मुझे पता नहीं चलता। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ साइड से आया तो यहाँ तो मुझे पता चल गया लेकिन मैं दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से अपने मर जाता हूँ। सो मैंने ये यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वार्म अप करने ना चाहिए। सो या एंजॉय माय वार्म अप। यू फॉट वेल। 10 किल्स रिमेनिंग। गुड अटेम्प्ट। ओके, तो यहाँ पे डेथ मैच खत्म हो जाता है एंड उसके फौरन बाद ही मैंने यहाँ पे कम्पेटिटिव आया और कम्पेटिटिव क्यू मैंने स्टार्ट कर दी। क्यू को स्टार्ट करने में मुझे कुछ ही देर में ही मैच मिल गया था, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट आई थिंक। और मैप मिलता है सबसे पहले हमें स्प्लिट और मैंने एक अच्छा वैलोरेंट का प्लेयर होने का सबूत देते हुए सबसे पहले इंस्टेट को इंस्टॉल लॉक कर लिया। कहीं मैंने रेना थी बट रेना ऑलरेडी इंस्टॉल लॉक हो चुकी थी, सो मैंने यहाँ पे जेट को इंस्टॉल लॉक कर लिया। योर प्रो प्लेयर इवल अरीवा। ओके, सो फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था एंड आई डिसाइडेड टू गो विद गोस्ट एंड एक स्मोक उसके क्लाउड की वजह से। और यहाँ पे स्पाइक यहीं पे था और किसी ने स्पाइक उठाने की जहमत नहीं की, सो मुझे वहाँ से पीछे वापस आना पड़ा और आके मुझे स्पाइक वापस उठाना पड़ा। इतने में यहाँ पे सेज को आई डोंट नो कि क्या हुआ, ही शुड हैव पिक्ड द स्पाइक फर्स्ट एंड सी उसका यहाँ पे क्या रिएक्शन आने वाला है। Good job, Julius. Good job. Why, bro? First, मैं वहाँ पे स्पाइक लेने के लिए गया था, then you said good job, Julius. Anyways, यहाँ पे वो लोग वहाँ पे मर जाते हैं और ए साइड क्लियर होती है और ए साइड पे मैं चला जाता हूँ और जाके यहाँ पे पहले प्लांट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लांट करने लग जाता हूँ एंड साइफर इज स्टिल लर्किंग ऑन बी साइड और बी साइड से वो मिड की तरफ लर्क करता रहता है और यहाँ पे मैंने स्पाइक प्लांट कर दिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ से घूम कर मैंने ऊपर चला जाता हूँ हेवन पे और वहाँ क्योंकि वहाँ का मैंने प्लांट दिया था टावर्स का। तो इतने में साइफर भी यहाँ से आ जाता है और अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि साइट में वो लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए, बिकॉज अब मैं यहाँ पे टैप भी नहीं सुन सकता उसकी स्पाइक की अगर वो डिफ्यूज करने बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे बार बार पीक लेकर देखता हूँ, सो फर्स्ट पीक में तो नज़र नहीं आया लेकिन सेकेंड पीक में भी नज़र नहीं आए और मुझे बाद में जब साइफर मर गया तो पता चला कि वो साइट में आ चुके हैं और डिफ्यूज भी हो रहा था। सो आई किल्ड साइफर हियर और यहाँ पे अब रेस था एंड आई वेफ्ट ऑन हिम एंड आई डाइड। और इस तरह से हम यहाँ पे पहला राउंड हार जाते हैं और यहाँ पे रेस का भी एस था। ओके, तो सेकंड राउंड में यहाँ पे मैंने एक किल किया था तो इस वजह से मेरे पास अभी बाय था, तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं गोस्ट बाय कर लेता हूँ और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि ये सब लोग रीना के पीछे पीछे ए साइड पे चलेंगे।
ओके सो ए साइड पे हम लोग आ चुके थे, अब यहाँ पे एंट्री का टाइम हो चुका था और मैंने स्मोक किया एंड आई डैश्ड इनटू द साइट और यहाँ पे यूरू ने पता नहीं किया कि अपना ही फ्लैश करके अपने ही फ्लैश से फ्लैश हो गया एंड आई किल हिम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पुश कर दिया आगे साइड में और यहाँ पे मैंने चेक किया और रेस वहाँ सामने था एंड देन रेस को मैंने हेडशॉट दिया। रेस वॉज लो, आई न्यू इट। सो किल अपना कंफर्म करने के लिए मैं वापस रेस को लेने के लिए जा रहा था बट यहाँ पे ओमिन भी पुश किया, ओमिन यहाँ पे मर जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेस का किल ले लिया और दूसरी तरफ सेज ने ओमिन को भी डाउन किया। इस तरह से हमारा ये राउंड आ जाता है हमारे पास। ओके तो अब ये थर्ड राउंड था और थर्ड राउंड हमारा बाय राउंड था। सो यहाँ पे मैंने फुल शील्ड और वेंडल के साथ मैंने सारी अवेलेबिलिटीज बाय कर ली। ओके तो हम यहाँ पे क्लोज आ जाते हैं साइड के और यहाँ पे हमारा साइफर मर जाता है और रेना ने भी पिक ले ली और मैं भी डैश इन करके यहाँ पे साइफर को डाउन करता हूँ और हमारा स्पाइक वाला भाई यहाँ पे मर जाता है और यहाँ पे योरू पुश करता है एंड योरू की भी ने पिक नहीं ले पाया और आई डाइड एंड वी लॉस्ट दैट राउंड। ओके तो नेक्स्ट राउंड में हमने डिसाइड किया कि अब हम ए साइड पे पुश करेंगे। ओके तो इस राउंड मैंने ब्लाइंडली पुश कर दिया साइड में और ब्लाइंडली पुश कर दिया यहाँ पे मैंने योरू को वॉल बैंक से नहीं मरा और मुझे सामने स्क्रीन्स की इन्फॉर्मेशन थी ना ही कॉल थी तो यहाँ पे ये लोग थे एंड देन डाइड हियर। यहाँ पर अब सीन कुछ ये था कि हारते अब स्कोर 2-5 आ चुका था, वो लोग सामने लीड में थे। ओके तो अब ये लोग सारे स्पाइक के साथ टावर्स पुश कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई वी हैव टू गो टू द साइड बट दे आर पुशिंग टावर्स और मैंने यहाँ पे अपड्राफ्ट करके साइड में पुश किया ड्यू टू साइफर्स ट्रैप्स और यहाँ पे मैंने योरू की एक पिक ले ली और उसके बाद साइड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर थी। मैं साइड में था और यहाँ पे ना मुझे मेरे टीममेट्स की तरफ से कॉल थी ना ही मेरे फुटस्टेप्स यहाँ पे मैं सुन सकता था। सो आई डाइड फ्रॉम बिहाइंड और अब यहाँ पे सिर्फ सेज बच गया था और अब सेज पे इन्होंने अंधों की तरह यहाँ पे पुश कर दिया बट यहाँ पे सेज लकी हो गया कि उसके स्प्रे के अंदर वो तीन लोग लेके गया एंड अब यहाँ पे सेज ने रेस्ट कर दिया और नाउ इट्स ओनली डेडलॉक एंड इट्स 2-1। ओके तो अब स्पाइक वहाँ टावर्स में डाउन था और डेडलॉक ऑब्वियसली वहाँ पे होल्ड कर रहा था तो सीज ने वहाँ से दूसरी तरफ से पुश किया और वहाँ पे यप ही वाज होल्डिंग एंड यहाँ पे वॉल बैंक उसको पड़ा एंड यहाँ पे सीज ने लकीली 4K करके ये राउंड सिक्योर कर लिया। एंड आफ्टर दैट राउंड हमने यहाँ पे कंजक्टिव 3-4 राउंड और जीत लिए थे और हमने यहाँ पे लीड पकड़ ली थी, स्कोर 6-5 हो चुका था एंड नाउ अब लास्ट राउंड था। ओके तो लास्ट राउंड में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बी पे पुश करेंगे और यहाँ पे रेस को कीड़ा होता था कि वो हमेशा यहाँ पे पीक देता था और यहाँ पे सेज ने फर्स्ट पिक ले ली थी रेस की, रेस ने ऑब्वियसली यहाँ पे पीक दी थी एंड देन आई पुल्ड आउट माय अर्ट और देन आई पुश्ड इन द साइड और यहाँ पे साइड में मेरे पे साइफर ने पुश किया और साइफर यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया साइफर का। उसके बाद बाकी दो लोग बच गए थे जो कि ए साइड पे थे, टावर्स होना था ऑब्वियसली एक ने टावर्स में मैंने डेडलॉक को डाउन किया। नाउ इट्स ओनली योरू लेफ्ट और योरू को भी यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया और ये राउंड हमारा सिक्योर हो गया। नाउ द स्कोर इज 7-5। ओके तो अब हम डिफरेंट साइड पर आ चुके थे और ये पिस्टल राउंड था और अटैकर्स ने यहाँ पे बी साइड पर प्लांट कर दिया था एंड आई पिक वन हियर और यहाँ पे साइफर के मुझे फुटस्टेप्स नहीं है कि उसने यहाँ पुश किया एंड देन आई किल्ड हिम एंड देन आई किल्ड ओमिन और इस तरह से मैंने 3K करके ऑलमोस्ट राउंड अपनी तरफ कर ही लिया था कि वहाँ पे रेना ने डेडलॉक को डाउन किया और ये राउंड हमारे पास सिक्योर हो गया। इन द नेक्स्ट राउंड इको फ्रैगर होने के नाते मैंने यहाँ पे आउटला बाय की विद फुल शील्ड और मिड होल्ड किया मैंने और मिड पर यहाँ पे कोई नहीं आया बिकॉज दे वर पुशिंग ए। तो मैं ए साइड पर जाता हूँ, ए साइड पर यहाँ पे डेडलॉक पुश किया और डेडलॉक के यहाँ पे मैंने वन शॉट खेल। उसके बाद ओमिन यहाँ पे टीपी करता है, ऑब्वियसली उसकी मुझे आवाज़ नहीं आती एंड देन इसके बाद ही यहाँ पे हमारे टीममेट्स शोक करते हैं और ये राउंड हार जाते हैं। अगेन हम ये वाला राउंड भी हार जाते हैं बट इन द नेक्स्ट राउंड हमारा बॉटम फ्रैग ओमिन ही डिड समथिंग ब्रिलियंट एंड इस राउंड में ओमिन बहुत जबरदस्त खेलते हैं। चेक दिस आउट, स्पाइक डाउन ए। One enemy remaining. Last player standing. 120. One enough. And this is how हम लोगों ने दो rounds की lead को वापस से बरकरार रख लिया। ओके तो इस राउंड में मेरे पास बाय नहीं था और मुझे अल्ट यूज करना पड़ा और यहाँ बी साइड पे साइफर ने पोचे जैसे साइड होल्ड करके रखी हुई थी सो दे वर ऑन बी लेकिन उन लोगों ने ए की तरफ रोटेट कर लिया। यहाँ पे मैंने दो किल्स किए बट यूरो के बारे में वो लोग कह रहे थे कि वो AFK बट ही वॉज नॉट AFK, ही वॉज इन आवर स्पॉन बट वहाँ पे उसे सेज ने पकड़ लिया एंड देन वी वन दैट राउंड और इसके बाद अभी ये 10-7 स्कोर था एंड मैंने फुल बाय किया और यहाँ पे ये राउंड भी हम जीत जाते हैं। नाउ द स्कोर इज 11-7 और नेक्स्ट राउंड में भी हम ये राउंड निकाल लेते हैं सो अब 12-7 हो जाता है स्कोर।
तो अब लास्ट राउंड होता है और मेरी ग्रेडियंट गेम सेंस बोल रही होती है कि वो लोग बी में आएंगे एंड या यहाँ पे डेडलॉक ने बी पे पीक दी एंड ही डाइड विद ऑप और यहाँ पे मजीद रेस भी आके पीक देती है बट आई मिस्ड ऑन हिम और अब सीन कुछ ये होगा कि यहाँ पे इस रेस को भी डाउन कर देंगे हम लोग लेकिन बाद में पीछे ओमिन और साइफर बच जाएंगे एंड नाउ अगेन मेरी रेडिएंट गेम सेंस ये बोलती है कि वो लोग मिड से फ्लैंक कर रहे हैं और हाँ दे एक्चुअली डेड और ओमिन को वहाँ पे किसी और ने डाउन कर दिया था लेकिन यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट ट्रस्ट मी यहाँ पे साइफर था और साइफर को मैंने यहाँ पे मार दिया था सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड दिस चैलेंज और MVP भी मुझे मिल गया योर फेवरेट एवी लरीबा एंड यहाँ पे मुझे 33+ मिलता है विद अ स्टार और मैंने यहाँ पे विदाउट साउंड विदाउट एनी गन साउंड एनी फुटस्टेप्स मैंने यहाँ पे ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है सो या दैट वाज इट मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम बाय बाय